संभल हिंसा पर सरकार पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। संभल में हुई हिंसा बवाल को लेकर कांग्रेस ने आज एक घंटे का मौन कार्यक्रम आयोजित किया। कन्नौज में कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर इकट्ठा होकर मौन रखा और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की पुलिस और योगी को सरकार को इस बवाल के जिम्मेदार ठहराया। बवाल में पुलिस की गोलियों से हुई 4 मौतों को हत्या बताया। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर आज कांग्रेस नेता ग्वाल मैदान स्थित गांधी प्रतिमा पर एकजुट हुए। प्रतिमा के स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने एक घंटे का मौन रखकर पुलिस की गोलियों से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौन सभा के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह उपचुनाव की गड़बड़ी पर उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस ने सीधे सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई वह सरकार की षड्यंत्र का हिस्सा है। सीधे सीधे गोलियां चलाना और एक जगह का बार बार सर्वे कर समुदाय को उकसाना ये सब सरकार के षड्यंत्र का हिस्सा है। सरकार 4 हत्याएं कराकर विपक्ष और जनता को भयभीत कर रही है। इस मौके पर चौधरी वीर सिंह, रीना वर्मा, हसान उल आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानेंद्र सिंह, तहसील संवाददाता।